मॉर्निंग नमस्कार पहलक सभी को। तो अब मैं तो पहुंच गई हूँ दिल्ली। तो काफ़ी दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट किया, थोड़ा सा थक पक गई थी या फिर तबीयत खराब हो गई थी। तो आज है वट सावित्री का व्रत। हाँ, हमारा नहीं है, किसी और का है, मतलब दीदी का है, दीदी की बहन का। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, दीदी मतलब मेरी जेठानी, और आज वो और मैं वहाँ पे जाएंगे। और अभी सुबह के बजे 6:30, हम उठ गए हैं 4:30-5 बजे से। काम हमने लगभग सारा ख़त्म कर लिया है, ऑफिस वालों को ऑफिस भेज देंगे, फिर हम निकलेंगे वहाँ के लिए और आगे की वीडियो वहीं पे शूट करेंगे, या फिर रास्ते में भी कर सकते हो, सकता दीदी से बात करा दो अगर वो करेंगी तो। और फिर आगे का कैसे वो लोग व्रत करते हैं वो हम दिखाते हैं वीडियो में। तो हम तैयार हो जाएं, फिर मिलते हैं। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे और पूजा स्टार्ट होने वाली है। पूजा की तैयारी हो गई है, पूजा की तैयारी पूरे बैक कैमरे से दिखाऊंगी और पूजा कैसे लोग करते हैं वो भी दिखाऊंगी। और बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन साड़ी वाड़ी लोग में आए हम लोग, दीदी लोग अंदर बैठे हुई हैं। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान बुद्धिमान धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके विपरीत अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे पालन करेगी, राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों दासियों अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीय जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए, तो सावित्री और प्रेमता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लगे। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक बहुत ही अच्छे।
ये हो गया यहाँ पे वर्षावती का व्रत, निधि का दुल्हा दुल्हन शिवांगी दी भूखी है, सोच नहीं जल्दी जल्दी दे दूँ सबको, काम नहीं पड़ जाए। शिवांगी दी कितने दिन का व्रत था? मतलब कल से था ना, और आज भी था, और उसके बाद फिर इतने दिन में भूख जैसे लगती है, कैसे खाया जाता है जल्दी जल्दी खाओ फिर। दोबारा फिर मिलेगा, देखो खुशी, देखो दोबारा फिर मिलेगा खाने की खुशी। देखो कुर्ते पजामे कितने नीचे लगते हैं, क्यूट लग रहे हैं। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से नखरी पॉटी कर रही है, पॉटी कर रही है ना, ऐसे बना के। ओए होए होए होए, घर। और ये हमारी मैडम विक्टोरिया, आपका नाम क्या है? रिदु। रिदु है। और अभी चाची लोग कहाँ गए थे? घूमी गए थे। और कौन गया था साथ में? मम्मा। मम्मा और चाची कहाँ गए थे? घूमी गए थे, विदु को लेके नहीं गए थे, क्योंकि हम विदु को लेके कल गए थे ना घूमी। ठीक है, तो फिर हो गया है, मिलते हैं फिर। और बाय बाय कर दो विदु, बाय बाय। आ गए घर पे, पूजा हो गई पूरा, व्रत हो गई यार पूरा, और टूटेगा तो कल सुबह। और पूजा अभी हो गई थी, कथा हो गई थी, तो हम घर आ चुके हैं। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंडिंग। कैसा लगा वट सावित्री का व्रत, ये तो कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कैसा लगा, मैंने कैसे वीडियो बनाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा फैमिली इंट्रोडक्शन, देखते हैं कौन कौन देता है अपना, फिर मिलते हैं। टेक केयर।